अभी भी मेरा पति मकामा में थाना में बंद है, मेरा बच्चा बंद है, 7 बजे से लेकर के अभी तक वही थाना में बंद है। तो क्यों बंद किया गया है? पता नहीं क्या, वैसे ही एसपी आया उठा के ले चल गया, उसके चलते हमको यहाँ सदन में पहुँचने में लेट हुआ है। और जो है कि गलत बात है, किसी का करियर के बारे में या किसी का छवि धूमिल करने के लिए इस तरह से मीडिया में चलाया गया कि बीमा भारती फिरार हो गई है, बीमा भारती नहीं है, ये गलत बात है। कारण था? कोई कारण नहीं था, हम लोग कंटिन्यू मीडिया में लगे हुए थे, सब चीज़ बता रहे थे, हम जहाँ भी थे। और पति का तबीयत खराब था, पति के साथ में हम आ रहे थे यहाँ पटना मकामा में, जो है कि मेरा पति को मेरा बच्चा को थाना में मकामा में बैठा लिया, उसके चलते हमको यहाँ सदन में पहुँचने में लेट हुआ है। और जो है कि गलत बात है, हम जब मीडिया में बने हुए हैं, श्रवण भैया को हम बार बार बता रहे थे कि हम यहाँ हैं, वहाँ हम बता रहे थे, पार्टी का जो भी वरिष्ठ नेता थे उनसे संपर्क में थे हम, तब भी मीडिया के थ्रू जो है कि इस तरह से गलत फहमी जो फैला रहा था पार्टी में, ये अच्छा बात नहीं है। किसी का करियर के बारे में या किसी का छवि धूमिल करने के लिए इस तरह से मीडिया में चलाया गया कि बीमा भारती फिरार हो गई है, बीमा भारती नहीं है, ये गलत बात है। अभी भी मेरा पति मकामा में थाना में बंद है, मेरा बच्चा बंद है, 7 बजे से लेकर के अभी तक वही थाना में बंद है। तो क्यों बंद किया गया है? पता नहीं क्या, वैसे ही एसपी आया उठा के ले चल गया। तो यही कहा जा रहा है कि बीमा भारती आरजेडी खेमे में थी, जो पैसे की बात मुख्यमंत्री भी कह रहे थे। ऐसा कोई बात नहीं था, हम लगातार बात हो रहा था, श्रवण भैया से बात हो रहा था, गांधी जी से बात हो रहा था, सभी से, अशोक चौधरी जी से बात किए हम, ऐसा तो है किसी से चुरा करके कहीं से भाग के गए हैं। तो जो दावे किए जा रहे थे वो बिल्कुल गलत है? बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा पति अभी भी थाना में बंद है, मेरा बच्चा भी। भारतीय लगातार करे कि इनके पति और इनके बेटे थाना में बंद, ऐसा क्यों हो गया? अब किस कारण से बंद किया है ये हमको पता नहीं है, हम तो पटना आ रहे थे, हम वहाँ से किसी तरह से वहाँ से हाँ सदन पकड़ने के लिए हम आए, उसके चलते हमको लेट हुआ सदन आने में, इसलिए बहुत दुख की बात है। आपका राजद के साथ कोई रिश्ता नहीं? कोई रिश्ता नहीं, कोई तुकी नहीं बनता है उसके साथ, क्यों जाएंगे हम मीडिया में लाइव सिटी में बार बार हम जो है कि फोन के द्वारा हम जो है बोलते रहे कि कोई खेल वेल नहीं हो रहा है, सब लोग हम नेता के साथ में हैं, नेता के साथ में बने रहते हैं हर समय हर सुख दुख में, कहीं कुछ जाने का बातें नहीं है। नीतीश जी ने भी चेतावनी दिया है, कहा है कि हम सबको देख रहे हैं, सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि जो लोग नहीं आते उनका सबका हिसाब कर लेंगे। बिल्कुल करें, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जहाँ आए वहाँ है। लेकिन आपके बेटे और पति को पहले गिरफ्तार करके रखा गया, थाना में बैठा, थाना में बैठा कर रखा हुआ है, अभी तक बैठा हुआ है। तो क्यों बैठा है, रीजन क्या है, क्या हुआ, कारण क्या? कुछ नहीं है, ना केस है ना कुछ है, बिना मतलब का बैठा करके रखा हुआ है। क्या डराने की कोशिश की जा रही थी? ये तो जो है कि गलत बात है ना, ये तो प्रतिद्वंदी जो है जिस तरह से कर रहा है सरकार में रहते हुए, इस तरह की शक के घेरा में सबको लाना और सबके नजरिया अलग अलग होता है देखने का। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हैं, बार बार कहते हैं न्यूज चैनल में सभी में कि हम हमारे नेता सर्वोपरि है। लेकिन कल आपका फोन बंद आ रहा था? बंद नहीं था, मेरा पति का तबीयत खराब है अभी भी, पता कर लीजिए, इसलिए बहुत सीरियस तबीयत खराब है, अभी भी थाना में है, तबीयत उनका अच्छा नहीं है। मैडम आप कह रही है कि आपके पति की तबीयत खराब है, थाना में पुलिस बैठा कर रखी और आप यहाँ नीतीश कुमार के लिए वोट करने आई थी? एकदम बिल्कुल आए भागे भागे, जब नहीं नहीं चिंता रहता माननीय मुख्यमंत्री जी का तो हम भागे भागे नहीं आते यहाँ सदन। तो क्या आप इसी डर से तो नहीं आएंगे? नहीं, डर क्या, सदन में अटेंड करना था हमको, इसलिए आना पड़ा, हम छोड़ के आए, फिर हम जाएंगे वहाँ मकामा आ जाएंगे थाना, पति को छोड़वाइएगा, फिर हम जाएंगे वहाँ पर, तो छोड़ नहीं देंगे बाल बच्चा को, भतीजा है, बेटा है, पति है, सबको है। कितने लोगों को पकड़ के ले जाएगा? 2 गाड़ी से हम लोग आ रहे थे यहाँ पर, वहाँ पर रखा हुआ। तो ये बीमा भारती थी जेडीयू की विधायक और इनको लेकर कहा जा रहा था कि ये आरजेडी के संपर्क में, और यही वजह है कि स्पीकर के वक्त जो वोटिंग का मामला था तो ये अनुपस्थित रही और आपकी अनुपस्थित रहने की वजह से ही जो संख्या वो घट गई थी। उसमें तो इस घटने का वजह यही ना हुआ कि समय से नहीं आ पाए हम, समय से नहीं आए कि थाना में पकड़ के रखा हुआ है, टेंशन किसी का भी होगा कि उधर देखे कि यहाँ आवे। आगे क्या कीजिएगा, क्या नीतीश कुमार से शिकायत कीजिएगा या फिर दूसरा रास्ता देखिए? हमारा गार्जियन है तो हम तो करेंगे ही, हमारा बच्चा को पकड़ के रखा हुआ, मेरा पति का रखा हुआ, तो हम तो करेंगे, शिकायत करेंगे, क्यों ना करेंगे, गार्जियन है तो करेंगे ही। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।